इन इंडिया ने बताया है कि क्यों इस वक्त उनको क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम कहा जाता है ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में सारे फॉर्म एट्स में इंडिया डोमिनेशन दिखा रहा है अपनी दस मैचेस वर्ल्ड कप में जीतना फाइनल बेशक आप हार गए हो लेकिन ग्रुप स्टेज में दस में से दस मैच जीतना इज नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल और मतलब इसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है आपको अपनी स्किल के टॉप पे होना पड़ता है इसके लिए और आज जैसे आपने देखा कि अश्विन ने जो बॉलिंग की सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल दिने वाले वो बॉलर बन चुके हैं और चारों मैच चार मैच बैस बॉल को जो कहा जा रहा था यार बड़े मजे की सीरीज होगी बैस बॉल इंडिया पता नहीं मज़ा आ जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसे जलील करते हुए बैस बॉल को बताया है कि दिस इज वेर यू स्टैंड एंड दिस इज योर लाइक दिस इज यूरत बैस बॉल को बताया टीम इंडिया ने आज ये मैच ढाई दिन के अंदर खत्म कर दिया मतलब इनिंग से जीते हैं वो अपना वो क्रिकेट खेली जा रहे थे और कभी कबार इंडिया जैसे मुल्क में आके आपको ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको ट्रेडिशनल क्रिकेट को आपको जैसे टेस्ट क्रिकेट को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ऐसी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जहाँ पर इंडिया आराम आराम से खेल के बल्कि उन्होंने भी एग्रेसिव क्रिकेट खेली है लेकिन कैलकुलेटेड खेली है उन्होंने और जब ज़्यादा वो ओवर गए तो उनका कोलैप्स आपको देखने को मिला शुभमन गिल ने खेली उन्होंने उसको ब्यूटिफुल उसको बिल्ड किया अपनी इनिंग्स को लेकर चले और इंडिया को इस मैच के अंदर जितवाया तो शुभमन गिल की बात हुई थी इसको दो मैच के बाद निकाल दो उन्होंने इंडिया के लिए दो सेंचरियाँ उसके बाद इस सीरीज के अंदर की एंड अशवन की तो आपने बॉलिंग देखी होगी आई होप कि आपको वीडियो चंद नहीं होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में बट ये भी बात करेंगे हम यार जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बेन स्टोक्स आएंगे उन्होंने क्रिकेट को इवॉल्व कर दिया क्रिकेट को चेंज कर दिया अब टेस्ट क्रिकेट पहले वाले मेथड से नहीं खेली जा सकती है अब आपको हर टीम को टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की मर्ज़ी से खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड जैसे खेलेगा आपको वैसे ही टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है टेस्ट क्रिकेट अभी भी खेली जाएगी ट्रेडिशनल स्टाइल से खेली जाएगी और उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में आप इंग्लैंड को हरा सकते हो जैसे इंडिया ने हराया है वट मैटर्स इज योर स्किल वट मैटर्स इज हाउ यू प्ले क्रिकेट व्हाट मैटर्स इज योर टैलेंट वट मैटर्स इज योर हार्डवर्क पहला मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने इन मतलब किड्स टीम भी आप इसको कह सकते हो मतलब एक दो एक्सपीरियंस प्लेयर थे बाकी एक मैच में बुमराह भी नहीं है अय्यर भी नहीं है राहुल भी नहीं है कोहली भी नहीं है उसके बावजूद इंडिया को ये सीरीज जितवाई और ऐसी घेंटा लगाया है इंग्लैंड को कि फोर वन से ये सीरीज जीत पाई ये नहीं कि को कोई आराम से सीरीज मुश्किल से जीत पाई हो या सारे मैच फंसे हो पहला मैच फंसा वो इंग्लैंड जीत गया दूसरा मैच शायद किसी पॉइंट तक इंग्लैंड मैच में था इंडिया जीत गया तीसरा चौथा इंडिया ने डोमिनेट करके हराया और पाँचवें में इंडिया ने जलील करके मारा इंग्लैंड को और बताया कि भाई आप जाओ इंग्लैंड में खेलो अपनी बैच बॉल चैस बॉल वहाँ पर बेन स्टोक्स मारे छक्के के आगे निकल के ये आपके बस की बात नहीं है आप बैस बॉल अब अपने पास रखो अगली बार आना तो तमीज़ से क्रिकेट सीख के आना आप लोग खेलना सीख के आना हमारे सामने टेक केयर गुड बाय बाय